What's up guys, this is Shubham Pathak and you're watching Shubham Pathak Things and आज की वीडियो में I'm going to be telling you a few do's and don'ts या फिर कुछ tips वगैरह कह लो for using Ohuhu markers and if you're going to use these markers for the very first time, you really need to know these tips for sure. Without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग ऑफ द वेरी फर्स्ट टिप, वैसे किसी भी मार्कर को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको पेपर चाहिए, तो इसी टिप के साथ हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग ऑफ द राइट पेपर। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि जो पेपर ओहो मार्कर्स के लिए यूज करते हैं वो बहुत से टाइम गलत पेपर यूज कर लेते हैं, वो मतलब मोस्टली पीपल यूज लाइक 80 GSM, 110 GSM, दोस पेपर आर रियली थिन। द पेपर यू शुड यूज एक्चुअली इज एट लीस्ट इट शुड बी 180 GSM एंड नॉट बिलो दैट, क्योंकि 180 GSM जो होता है वो एल्कोहल मार्कर्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, उसकी थिकनेस काफी ज्यादा सही होती है और पेपर बियॉन्ड 180 GSM लाइक 210, 230, 300 GSM मत जाना, क्योंकि वो फिर वाटर कलर वाली रेंज में आ जाता है एंड वाटर कलर पेपर अगर आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा इंक सोखेगा वो। सो इसलिए जो आपकी रेंज है पेपर की वो 180 GSM से लेकर के 250 GSM तक है और उसी रेंज में आप पेपर यूज करना फॉर ओहोहू मार्कर्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही ज्यादा लोग जो है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, दैट इज एक्चुअली यूजिंग द स्वॉच पेपर। तो जब भी आप ओहो मार्कर्स खरीदोगे तो आपको उसके अंदर एक स्वॉच पेपर जरूर मिलता है। वैसे अगर आपने 48 वाला सेट लिया तो उसके अंदर नहीं मिलता है, तो आप नॉर्मली कोई भी नॉर्मल पेपर लेकर के उस पे आपके जितने भी मार्कर्स हैं उनके स्वॉचेस बना लो और उसके आगे उस मार्कर का नंबर लिख दो। इससे आपको आसानी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है ओहो मार्कर्स में कि जो कलर उनके कैप पे है वो कलर इंक का बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन हो जाता है कुछ कुछ मार्कर्स में। अगर आप डायरेक्टली कलर को मार्कर की कैप से चूज करोगे तो जब आप कलर करोगे उससे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, आपके जो आर्टवर्क है वो खराब भी हो सकता है। सो ऑलवेज यूज द स्वॉच पेपर। वैसे अगर आप 48 से बड़ा वाला सेट लिया तो जैसे कि मैंने 72 वाला लिया था तो मेरे को उसमें स्वॉच पेपर 2 मिले हुए थे। सो ऑलवेज यूज द स्वॉच पेपर गाइज इफ यू गोना यूज द ओहो मार्कर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर, दैट इज एक्चुअली यूजिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम कलर। ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उनको येलो करना है, रेड करना है, तो वो सिर्फ एक कलर उठाएंगे और उसी से पूरा का पूरा जो आर्टवर्क है वो कलर कर देंगे, जो कि आपके जो आर्टवर्क है उनको बहुत ज्यादा प्लेन लुक देता है, जो कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो किसी भी आर्टवर्क को ना पॉप करने के लिए तीन चीजें बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, दैट इज हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो अपने कलर्स के कॉम्बिनेशन है या फिर शेड्स है उनको पिक करना है। तो जो भी आप कलर करने जा रहे हो, जिस भी आप एरिया में कलर करने जा रहे हो, उसमें आप एक अपना मिड टोन रखो, एक हाईलाइट रखो और एक शेडो रखो। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप कैरेक्टर या फिर जो भी आप अपनी आर्टवर्क कलर कर रहे हो तो इसमें अगर आप ये तीन वैल्यूज ऑफ कलर इंक्लूड करोगे, दैट इज मिड टोन, हाईलाइट एंड शेडो, तो आपकी जो आर्टवर्क है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। और ये सिर्फ ओहो मार्कर्स के साथ ही अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी कलर के साथ अप्लाई होता है, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ रियली गुड आर्टवर्क यूजिंग द ओहो मार्कर्स। एंड अगर आप ये तीन शेड्स का ध्यान रखोगे तो आपकी आर्टवर्क डेफिनेटली एंड में बहुत ही ज्यादा मजेदार बनने वाली है। अब इसी से रिलेटेड हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एक्चुअली यूजिंग द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है ना वो बहुत ही गलत उठाते हैं, मतलब वो रेड के साथ ब्लू मिक्स कर रहे हैं, ऑरेंज के साथ ब्लैक मिक्स कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वोंट वर्क यार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इजिएस्ट वे दैट यू कैन डू टू पिक योर कलर कॉम्बिनेशन इज टू रेफर अ कलर व्हील। बस आप जो कलर देख रहे हो या फिर आपने जो कलर सेलेक्ट किया है उसके आसपास की दो तीन कलर्स उठा लो, लाइट उठा लो, डार्क उठा लो, और अगर ब्लू है तो उसके आसपास का जो कलर जैसे पर्पल हो गया, ये सब चीजें होंगी। ब्लू के साथ अगर आप स्काई ब्लू उठा लो तो डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट सिमिलर यू के जो कलर्स होंगे अगर आप उनको पिक करोगे तो आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा बेटर बनेगी। एंड फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कलर कॉम्बिनेशन करने में अपने कलर्स, क्या आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सा मार्कर पिक करना चाहिए, तो द वन थिंग दैट यू कैन डू इज एक्चुअली टेस्ट योर मार्कर बिफोर यू यूज देम ऑन एनी ऑफ योर आर्टवर्क। उसको सिंपली आप किसी भी रफ पेपर पे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ और उसमें ब्लेंड करके देख लो कि क्या वो सही से ब्लेंड हो रहा है, क्या उसका रिजल्ट है वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा सही बैठेंगे और कलर व्हील के हिसाब से बैठेंगे, तो आपकी जो आर्टवर्क है वो एट दी एंड बहुत ही बेटर बन के आएगी। और उसमें कलर जो है, कलर थ्योरी अप्लाई आपने करी है, तो उसकी वजह से आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन और ये सब चीजें हैं ये काफी ज्यादा अच्छे से निखर के आएगा। नाउ अब हम आखिरी टिप के बारे में बात करते हैं, जो कि एट दी सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड बहुत से लोग इसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम अपने जो मार्कर्स होते हैं वो हम ऐसे वर्टिकल कंडीशन पर रख देते हैं, अपनी टेबल पर रख दिया या फिर कहीं भी रखना हो तो हम ऐसे वर्टिकली इसको रख देते हैं। बट ये जो चीज होती है आपके मार्कर्स को किल कर रही है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि आपके जो
भी मार्कर्स है ना उनको ऐसे हॉरिजॉन्टली रखना है हमेशा। कहीं भी आप रखो तो आप उसको हॉरिजॉन्टली रखो। अगर आप कहीं अलमीरा वगैरह में रख रहे हो तो उसको आपको हॉरिजॉन्टली रखना है। इससे क्या होता है कि जो मार्कर्स अगर आप मान लो वर्टिकली रखोगे तो इसका जो इंक है वो किसी एंड पे सैचुरेट हो जाएगा, या तो आप फ्रंट एंड पे सैचुरेट होगा या तो बैक एंड पे सैचुरेट होगा। उससे क्या होगा कि अगर आप फ्रंट एंड पे सैचुरेट होगा तो बहुत ज्यादा इंक फ्लो होगी, अगर बैक एंड पे सैचुरेट होगा तो बहुत कम इंक फ्लो होगी। तो इसलिए टू कीप द फ्लो ऑफ द इंक कंसिस्टेंट यू शुड ऑलवेज कीप योर ओहू मार्कर्स लाइक दिस, बिकॉज इससे आपकी इंक जो है वो बीच में रहती है और किसी भी एंड पे सैचुरेट नहीं होती है। एंड दैट इज एक्चुअली द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इन दिस वीडियो। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाया क्योंकि मुझे वीडियो बहुत शॉर्ट रखनी थी, बिकॉज टिप्स ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत से लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड दैट आई वॉन्टेड यू गाइज टू नो बिफोर यू गोना यूज योर ओहू मार्कर्स। सो इफ यू गोइंग टू बाय एंड इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट, कीप दिस टिप्स इन योर माइंड सो दैट वेन यू आर यूजिंग योर ओहू मार्कर्स यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैम। सो यही था गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर लाए सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए peace out।